तेन दे रोज आई तू शह खां भाई है रोज आले शह खां अरे रोज आले शह खां कश्तियां बना के छोड़े तो तब भी चलेंगे कश्तियां भी ओए पानी चेक करें बारिश बहुत है। तो अम्मी जी शॉपिंग करके आई है शॉपिंग करके आई है अपना बड्डा लेके आई है अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे साथ दोस्त और आफिया से होंगे। आज की डेली रूटीन का आगाज करते हैं सुबह सुबह का टाइम। आज तो भाई बादल ने कमाल ही कर दिया, मुसलसल 7 घंटे बारिश आती रही, कभी रुक जाती थी कभी आ जाती थी, वक्त पे वक्त से इतनी बारिश आई है कि ना यहाँ से लांगा जाता था ना टापा जाता था। हाँ इतनी बारिश आई थी ना लांगा जाता था ना टापा जाता था, क्योंकि आज जो हमने रोज़ा रखा है वो भी बहुत मुश्किल से रखा है। ये मेरी अम्मी जी की हिम्मत है कि उसने हमको रोज़ा रखवा दिया, वरना तो आज हम ऐसे ही खाली पेट ही रोज़ा रखने पर मजबूर हो जाते। उस वक्त भी बारिश आ रही थी जब हमने रोज़ा रखा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बारिश आई है, मकान जो है वो सब गीला है। इस वक्त भी अभी भी आसमान पे बादलों ने चादर ओढ़ी हुई है, ऐसे चादर ओढ़ी हुई है जैसे जाने का नाम भी नहीं ले रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना बारिश आई है, ना यहाँ से लांगा जाता था ना टापा जाता था। देखो देखे यहाँ पे पानी खड़ा है घर के अंदर सारा, और वहाँ पे देखे मैं अभी करीब से जा कर मकान जो है वो सारे गीले, और आसमान पे देखे चारों तरफ बादल ही बादल आपको नजर आएंगे, चादर ओढ़ी हुई है इन्होंने आसमान पे। भाई लोग मौसम बहुत खराब है, अल्लाह रहम करे। आज की मैं रोटी पकानी है, हाँ अम्मी जी कहती है खाली पेट तो नहीं रखना था, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए बना ही लेते। तो तंगी बहुत हुई है, हाँ कौन है आज तो रोज है ये खाने के मतलब मूड है ना रोज है। अच्छा रोज है अम्मी जी कहती है मौसम ठीक है, तो मौसम के लिहाज से मैं जब तक मेरी हिम्मत साथ देगी तो मैं रोज़ा रखती रहूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। यहाँ पे भाई हम लोगों ने सुबह आग जलाई है बड़ी मुश्किल से, देखें यहाँ पे अम्मी जी ने आग जलाई है, अभी भी जल रही है थोड़ी थोड़ी ना। देखें भाई लोग इतना बारिश आया ना यहाँ से लांगेगा ना टापेगा, ये तो मसला भी कश्मीर बना हुआ है। ऐसे लगता है कि सार के ऊपर टांगे रख के फिर कैसे जाएंगे यार, सार के ऊपर अगर टांगे आ जाएं तो फिर कहाँ जाएंगे यार। तू क्या कहती है बारिश आई है, वो भी कहती है बारिश आई है। जानवर देखे मेरे सारे बाहर थे रात में बारिश में, तो घास यास खा रहे हैं, अब फिर इनको ना ज़रा साइड पे करेंगे जैसे भी ये घास खा लेंगे ना। मसला बहुत ख़राब है यहाँ पे। यहाँ पे सुबह सुबह ना दुशान के काम चेक करे, क्या कर रहा है दुशान, कितनी बारिश आई हो इधर वे, कितनी बारिश आई है। दुशान जाना थोड़ा सा शर्माता है कैमरे के आगे आके, वैसे ही है वो मचूचा बना हुआ है, मचूचा ये देखे खड़ा है इसके कैमरा कर तुम देखिए दूसरी तरफ देखते हैं, हंसता रहता है बात। भाई लोग देखें यहाँ पे पानी बहुत काफ़ी तसीरी तादाद में खालों में, जैसे पानी नहीं जाता वैसे जा रहा है। यहाँ पे कश्तियाँ बना के छोड़ें तो तब भी चलेंगी कश्तियाँ भी, ओए पानी चेक करें बारिश बहुत है। भाई लोग बारिश जो है ना दोबारा आ रही है, देखें मुसलसल
लगी खड़ी है, मुझे लगता है ये 24 घंटे ही खड़ी रहेगी। बादल जो है ना वो जाने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे। ओ बड़ी तेज आ रही है, देखें। तो भाई लोग अब जो है ना अफ्तारी का टाइम बस करीब ही है, तो अभी जो है ना अम्मी जी तैयारी करके बैठी हैं। किधर है बेटा, तैयारी से किधर बैठे हो? हैं चाहिए चीज़ें लेने गई थी खाने पीने के लिए। ये तो सब्जी लेके आई। हाँ सब्जी लाया। सब्जी किधर मिली है? 100 रुपया। भाई लोग तूरी देखे 60 रुपए, 100 रुपए किलो ये भी मिली है। ये सुबह पका है सवेरे पका है? अच्छा, तैयारी श्यारी की थी तो बैठे कि मैं देते ही थे शादी थे अफ्तारी पे। शादी शादी कर आई भाई, अम्मी को अब शादी याद आ गई। अभी मेरी शादी कर नहीं रही तो अम्मी कह दी शादी पे। रमजान शरीफ पे शादी होंगी। अफ्तारी पे जा रही कहने पर। भाई लोग अम्मी जी जा रही है अफ्तारी पे। अब बताया पहले कह रहे थे कि शादी पे, शादी कहाँ होती है? रमजान शरीफ में पहले शादी होती है, अफ्तारी होती है ना। तो अम्मी जी जा रही है अफ्तारी पे, मैं भी आऊँ ना? अम्मी जी कहती तुम भी आना तो आ जाओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। चलो देखते हैं, मैं सिचुएशन देखता हूँ, अगर दिल किया तो जाऊँगा, अगर दिल न की तो दीवाल में बैठा। ठीक है, तो अम्मी जी शॉपिंग करके आई है। अपना जो बर्थडे ले गया है, ये जू ये क्या चीज है? ये जूती जूती क्या करेगी? ईद के लिए ले गया है? नहीं वैसे सिंपल पहनने के लिए। ये गा बच्चे पाल है, सिंगल जैसे भी पाल है, पानी शानी है। हाँ अम्मी जी कहते हैं कि ये ना दूसरा जूता जो होता है ना वो ज़रा फैंसी होता है, वो टूट जाता है, इसलिए ये रोज़ाना की बुनियाद पे देखें अम्मी जी पहन भी रही हैं। वो भी आपने लिए? दो दो लिए, दो दो। अच्छा दूसरी इस बच्ची की है। तूने रोज़ा रखा है आज? किधर रखा है? अम्मा को हाँ किधर रखा है रोज़ा? आज रोज़ा किधर रखा है? किधर रखा है? इतने पेट है बद है वाल तो हर शाह खांदे बद है, हर शाह खांदे बद है क्या है ना? चाला चाला अपनी जुत्ती चाला हाँ खांदे बद है इन्हीं जुत्ती है वो। अच्छा वो वाले कुराड़ी है। ये जूते खरीदे हैं हमें कितने दे हैं? हाँ माँ दो सौ जुत्ती था, 200 दो दो सौ भाई, दोनों का 200 एक का दो सौ। हाँ एक का 200 भाई। ये तो बट्टा कितने का है? 250 अच्छा ये उनके शखा नहीं पाए तेन तो रोज है। अच्छा रोज ना निमको खानी यार। भाई लोग अम्मी जी निमको लेके आई हैं, तो मैं पूछ रहा था उसकी ना गांठ खोल रही थी, देखें रोजा ना रखा था। अच्छा रोज अफ्तार आज अम्मी जी कहते हैं कि रोज इसी के साथ अफ्तारी करना है। तो चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है वो मिलता है। तो अभी बच्चा रोम जो है ना वो खा रही है। तो रोज आज रोज आई रोज आना अम्मी जी जो है ना बांध रही है बच्चों के लिए। देखें ये बच्ची जो है ना लेके जा रही है कामरान के लिए स्पेशल जा रही है। देखें हो उसने मुंह में डाल दिया। तेन दे रोज आई तू ये शाह खांदी पई हैं? रोज वाले शाह खांदे? अरे रोज वाले शाह खांदे? रोजे वाले जो होते हैं वो चीज नहीं खाते, वो अफ्तारी के बाद खाते हैं। क्या खा रही है दिखा तो सही, क्या खा रही है?
क्या खा रही है? नजर तो कुछ नहीं आता। वो देखे नीम को तो इसने लुकाई हुई है, देखे ये, देखे ये खा रही थी। भाई जी आज तो अफ्तारी जो है ना, एक दोस्त के पास ही उसने बुलाया हुआ था, उनकी अफ्तारी थी तो उधर जा रहे हैं, तो साथ में अम्मी जी भी जा रहे हैं। अम्मी जी रहने पे जी हाँ, चलने पे भाई चल, मेरा मूड हमारा मेरा तो वाल मूड बन गया ना। अम्मी जी कहते हैं कि आप चले हैं, चलो आप कह रहे थे तो इसलिए फिर मैं और अम्मी और साथ में विशान कामरान भी, तू भी जा रहे हैं है? तो अब हम जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके देखेंगे क्या होगा। तो वहाँ पे तो काफ़ी अंधेरा भी हो जाएगा, तो आज के व्लॉग का मैं तो कहता हूँ यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलेंगे कल एक नए ताज़ा और तेज़ व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में देखिए घंटे को, इस घंटे को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रखें अपने और अपने प्यारों का ख्याल, मिलेंगे कल एक नए ताज़ा और तेज़ व्लॉग के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, बाय। इससे तो बस नहीं चंगा हो नहीं।